जदीद दौर के जदीद तकाजे, सिंध पुलिस ने फैसला किया था कि स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए ई टैगिंग सिस्टम और स्मार्ट कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा और इस पर काम जारी भी है। आज से 2 साल कबल इस वक्त के आईजी ने बताया था कि जराइम पेशा अफराद के बारे में बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सिंध के 40 टोल प्लाजा पर NRTC के तआवुन से स्मार्ट कैमराज लगाए हैं। ये कैमराज अब तक लगे हैं या नहीं और इस प्रोजेक्ट में मजीद क्या पेश हुई है, इसी पर बात करने के लिए कौन मौजूद है हमारे साथ? मौजूद है DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी साहब, उनकी जानिब हम चलते हैं। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और पुलिस जो है वो जदीद होती जा रही है, जिस तरह क्राइम जदीद होता जा रहा है, जिस तरीके से जराइम पेशा अफराद जो हैं वो अब नई नई चीज़ें अपना रहे हैं, उनको केटर करने के लिए, उनकी ये मूवमेंट को हैम्पर करने के लिए पुलिस का जदीद होना बहुत ज़रूरी है। हमने 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो टोल प्लाजा पे कैमरास, लेकिन उससे भी पहले एक टैगिंग सिस्टम, ये क्या चीज़ है? प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस। बेसिकली हम लोगों ने क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है सोसाइटी के अंदर से और उसको फिर ट्रैक करना है और उसकी सर्वेलेंस करनी है। जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं वो देखा गया है कि जिसको हम स्ट्रीट क्राइम कहते हैं, जिसमें गाड़ियों की चोरी होती है, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग होती है, पैसे स्नैच कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें वैल्यूएबल्स स्नैच कर लेते हैं, तो वो लोग रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, वो आदि मुजरिम होते हैं कि एक दफ़ा पकड़े जाते हैं फिर वो पुलिस सिस्टम के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आते हैं, जेल भी जाते हैं, फिर वो कभी बेल पर जल्दी बाहर आ जाते हैं या सज़ा काट के भी आते हैं, तो फिर दोबारा वो उसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके सेपरेट करना है नॉर्मल सोसाइटी से और उनको फिर हम एक अच्छे तरीके से, जैसे आपने बताया कि किसी डिजिटल फ्रेमवर्क में या किसी डिजिटल मैकेनिज्म के थ्रू उनको हम अगर ट्रैक करें तो वो उनको फॉलो करते रहें उनकी एक्टिविटी, तो फिर हम उनको दोबारा जो उनके अंदर एक चांस होता है कि दोबारा जाके वो एक्टिविटी करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी, तो उसको हम रोकने के लिए ये सारा सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं अभी। और उसमें जी प्लीज जी जी आप बोलिए। जो हमारे पास अभी हमने सर्वे किया कि एट एनी गिवन टाइम, कराची शहर है, बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का मसला भी रहता है, कि कितने लोग होंगे या कितने क्रिमिनल्स होंगे जो इस तरह के आदि मुजरिम होंगे और जो बार बार ये काम में इन्वॉल्व हैं, तो उसकी स्टडी की गई और उसमें नंबर आया 8,000 से 10,000-12,000 मैक्सिमम इस तरह का। तो अब आप सपोज़ करें कि अगर 8-10 हज़ार लोग अगर हम इसको स्ट्रीट से हटा दें, ऑफ द स्ट्रीट्स कर दें, इनको या तो जेल में डाल दें या इनको हम किसी तरीके से मॉनिटर कर लें, तो पूरा कराची उसमें अमन आ जाएगा, स्ट्रीट क्राइम जो है कंट्रोल में आ जाएगा। और उसके लिए फिर एक इनिशिएटिव लिया गया हमारे IG सिंध की तरफ की जानब से, गुलाम नबी मेमन साहब की तरफ से, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को एक प्रपोज़ल पेश की बना के कि ये एक ई टैगिंग का एक सिस्टम है जो दुनिया में यूज़ हो रहा है और उसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं उनको आप एक टैग पहना देते हैं उनके हाथ में या पाँव में और उसको फिर मॉनिटर किया जाता है, उसकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है और उससे फिर पता चलता रहता है कि वो आदमी कहाँ पे है। तो वो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर उन्होंने कानून भी पास किया जिसको हैबिचुअल ऑफेंडर्स मॉनिटरिंग एक्ट कहते हैं। 2022 में ये बिल पेश हुआ था, 2023 में इसको पास कर दिया सिंध असेंबली ने और उसके बाद इस साल गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई 600 मिलियन रुपीज़ के 60 करोड़ रुपीज़ के लिए रखे हैं और इसमें हम 4,000 डिवाइसेस ये ले रहे हैं इस दफ़ा। और इसके बाद जो हमारे पास एक फहरिस्त है आदि मुजरिमान की और उस कानून के अंदर ये है कि जो एक दफ़ा से ज़्यादा किसी जुर्म में होगा और जिसमें कैटेगरी ऑफ क्राइम्स है, जिसमें कार की व्हीकल्स की चोरी और जिसमें एक्सटॉर्शन जो कराची का एक मसला रहा है और उसके अलावा जो डकैती और रॉबरी के केसेस होते हैं वो और इसके हटके भी जो हमारा ड्रग्स के जो लोग होते हैं, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो क्राइम्स भी, तो उसमें ऐसे कितने लोग हैं कि जो इस काम में बार बार इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको फिर हम ये ई टैगिंग की जो डिवाइस है वो लगाएंगे। इससे ना सिर्फ इनको दोबारा ऐसा काम करने से रोका जा सकेगा, इनकी मूवमेंट उस पर नज़र रखी जा सकेगी। अच्छा, इसको अगर मैं नथी करके देखूँ जो टोल प्लाजा पर कैमराज और ये सारे लग रहे हैं, तो ये दोनों मैकेनिज्म हैंड इन हैंड बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है एक तो वाक़या पिछली बकरीद में सामने हुआ मेरे, ये जो ईसा नगरी पे बिल्कुल सामने गाड़ी छीनी है और वो ले गया, अब जाहिर सी बात है कि उसका जो रुख था वो बलूचिस्तान की तरफ था, तो क्या ये हैंड इन हैंड चलेगा ये दोनों प्रोजेक्ट्स? जी बिल्कुल, ये और फर्दर इसमें जो कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है वो भी, तो आप ये समझें कि पूरा सूबा सिंध जो है वो डिजिटली एक तरीके से कवर हो रहा है
और उसमें जो मूवमेंट है मुजरिमान की, खासकर मतलब आम आदमी की मैं बात नहीं करूँगा, तो वो हम उसको मॉनिटर कर सकेंगे। टोल प्लाजाज पे जो S4 सिस्टम है, जितने ये सिंध के अंदर टोल प्लाजाज हैं, जो रोड नेटवर्क है उसके ऊपर वो लगाया जाएगा। उसके बाद हमारा जो सेफ सिटी कराची आएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद शहरों में भी चीज़ें जाएंगी। तो डिजिटल फुटप्रिंट जिसे कहते हैं कि हर मुलज़िम या हर क्राइम के पीछे एक डिजिटल फुटप्रिंट भी है, क्योंकि हर आदमी अभी इस टाइम पे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो एक वो डिजिटल फुटप्रिंट हमें मिलता है जिसको हम जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग के ज़रिए निकालते हैं। दूसरा, जब जियो टैग कर देंगे और उसके बाद हम इसको ये ई टैगिंग डिवाइस लगा देंगे, तो वो भी उसकी मॉनिटरिंग हम कर सकेंगे बड़ी आसानी से। और फर्दर मतलब इसी जो हमारे कैमराज हैं, इसमें अगर हम फीचर्स डाल दें कि फेशियल रिकग्निशन वाले फीचर्स, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एक डेटा बेस है, एक तो नादरा का डेटा बेस है जिसमें हर एक कैंडिडेटी मौजूद है, लेकिन उससे हटके हमारे पास अपने जो मुलजमान हैं, जो मुजरिम पिछले दिनों में रहे हैं, जिसमें हम CRO कहते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस या क्रिमिनल रिकॉर्ड जो हमारे पास है, उसके अंदर तमाम डिटेल्स मौजूद होती है। मुलजिम जब पकड़ा जाता है, मुलजिम पकड़ा जाता है, उसकी पिक्चर ली जाती है, उसमें उसके नाम, उसके NIC, उसकी बाकी शनाख्ती जो भी आइडेंटिफिकेशन की चीज़ें होती हैं वो डाली जाती हैं। तो इन सबको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा सूबा आप समझें कि हमारी नज़र में होगा, और बड़ी आसानी से हम उसको विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन उसको मॉनिटर कर सकेंगे। और इसी में अगर हम डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड कर दें इसके साथ, तो उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं किसी भी आदमी के, जो किसी और तरीके से भी अगर किसी गलत एक्टिविटी की तरफ माइल हो रहा है और सोच रहा है, तो वो भी उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक समझें कि पूरा एक डिजिटल आपके पास एक नेटवर्क आ जाएगा, जिसके ज़रिए आप इस तरह के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन सबको वॉच कर सकेंगे और वक्त से पहले भी उनको पकड़ सकेंगे। अब इसमें एक चीज़, आपने सेफ सिटी का तस्करा किया, लाहौर में सेफ सिटी बिल्कुल फंक्शनल है, इवन फॉर दैट सेक क्वेटा जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो चुका है। हम एज अ सिटी क्या लेट हुए हैं सेफ सिटी तक आने में? सेफ सिटी ब्रदर हमारे पास सबसे पहले आया जी था। सबसे पहले आया था, बट वो बीच में फिर जो मामला जी बिल्कुल उसकी अपग्रेडेशन और उसकी एक्सपेंशन, उसके ऊपर थोड़े से इश्यूज आए थे, लेकिन अब दोबारा उसको स्टार्ट कर लिया गया है और अब हम ये होगा कि सबसे एडवांस होंगे अगेन। अच्छा, ओके। सर आपने बात की IT के हवाले से और जितनी टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं, तो सिंध पुलिस के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि वो कितनी जिद्दत आ चुकी है जितनी अपनी टेक्नोलॉजी में, IT या अदरवाइज भी, कितनी हम आहंग है वो इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ? काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। हमारे जो कॉन्स्टेबल्स होते हैं रोड पे, उनको भी इन सारी चीज़ों का आइडिया है। आपने इसके साथ एक सुना होगा तलाश ऐप। yes. एक तलाश ऐप बनाई गई है, सिंध पुलिस ने बनाई है, और उसमें फिर जितना ये रिकॉर्ड मैंने जैसे बताया क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो सारा उसके अंदर फीड है। और फिर जहां होटल्स के अंदर आप लोग जाते हैं या गेस्ट चेक इन होते हैं, तो वहां पे भी पहले वो बायोमेट्रिक उसका होता है, वो ऑटोमेटिकली वहां से लिंक होकर हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से वो वेरीफाई हो जाता है कि ये कहीं वांटेड तो नहीं है ये आदमी। और इस तरीके से हमारे जब आप कॉन्स्टेबल्स वगैरह को भी देखें, तो एक तो उनकी अपनी फेस रीडिंग होती है चीज़ों की, लेकिन एट टाइम्स वो चीज़ें अदरवाइज भी उनको इतने टेक सेवी हैं होते हैं कि वो ख़ुद भी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं और क्रिमिनल का भी जो है डेटा अपने पास इकट्ठा कर रहे होते हैं, ताकि लेटर ऑन कभी किसी स्टेज पे उसको अगर यूज़ करना पड़े तो उसको यूज़ कर सकें। ठीक है आमिर साहब, हम हमेशा से जब भी कराची क्राइम पुलिस, इसके हवाले से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही आता है, और कई सालों में आला अहदेदारान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नफरी में हमारे पास कमी है। फिर वो नफरी जो है वो फर्दर जो उसकी डिवीज़न है उसके साथ फिर वो हर शहरी पे हर एक पुलिस वाला जो है उसके बहुत ज़्यादा शहरी हैं कि जिनको वो कवर कर रहा है। क्या हम इस पे कोई काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड, या दीगर इस वक्त सिंध पुलिस को, कराची पुलिस को क्या चैलेंजेस हैं जो आप सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसमें जो कमी थी उस कमी को ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है ये कवर करेगी। और फिर उसके बाद हो सकता है कि हमें इस जो नफरी है उससे, मौजूदा नफरी, उससे भी कम लोगों की ज़रूरत पड़े। yes. तो वो तमाम चीज़ें, नफरी बेसिकली जो रोड के ऊपर वो ऑब्ज़र्व कर रही होती है चीज़ों को, या उसको डेटर कर रही होती है, रोक रही होती है, या एक तरह से जो क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई इंगेज होना चाहता है तो उसके लिए एक सिग्नल दे रही होती है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप यहाँ पर हरकत ना करें। तब जब कैमराज लग जाएंगे तमाम जगहों पर, और उसके बाद S4 का सिस्टम है और हमारा ये ई टैगिंग वाला सिस्टम है दुनिया में, बल्कि हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस दे दी जाती हैं कि जो घरों में लोग कैमरे यूज़ करते हैं, तो वो भी इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होती है, उसको भी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट ने जो
अपने कैमराज लगाए हैं, उसके साथ साथ जो प्राइवेट कैमराज हैं वो भी उसके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो वो जब भी सब चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी तो फिर नफरी की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी रोड के ऊपर। और दुनिया में आप देखें अक्सर तो वहाँ पुलिस नज़र नहीं आती रोड, दुबई में नहीं, जब कोई इंसिडेंट होता है लेकिन उस फौरन बाद उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो अब दुनिया उस तरफ जा रही है तो हम भी उसी तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, कराची शहर जो है हमने देखा कि पहले और मुझे कहते हुए भी तकलीफ़ हो रही है, ख़बरें हम ही दे रहे होते थे आए दिन लाशों का गिरना और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें। अभी पिछले रमज़ान में एक बहुत तेज़ी से इस तरह की सरगर्मियाँ हो रही थी, रोज़ाना इस तरह की खबरें आ रही थी। फिर हम देखते हैं बीच में एक पीरियड आता है कि जिसमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, इसके पीछे क्या रीज़न है? और जो आपने बात की टैगिंग और ये, क्या सिंध पुलिस इस पे भी जारी जो हॉटस्पॉट्स हैं, मैं किसी इलाके का नाम लेके मार्जिनलाइज नहीं करके, आपको पता है कि फिर लोग उस पे चले आते हैं कि जी आपने ज़बान या कौमियत के तौर पे हमें मार्जिनलाइज कर दिया, जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, क्या वहाँ पे भी इस तरह की कोई चीज़ होने जा रही है AI रिलेटेड के जिससे हमें पता चल सके कि भाई जो भी जा रहा है कर कर आके वहीं आ रहा है तो वी कैन पिक हिम फ्रॉम हियर? जी एग्जैक्टली, और आपने देखा होगा कि रमज़ान में और ईद के दिनों में जितने भी मेजर हमारे पास मार्केट्स हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं और एक्स्ट्रा कंट्रोल रूम्स बना दिए जाते हैं। तो उसमें अब हम ऐसे कैमरा लगाएंगे कि जिसके अंदर फेस रीडिंग के फीचर्स भी हों और जिसके अंदर ये ई टैगिंग को भी मॉनिटर कर सकें और बाकी दीगर चीज़ें जैसे मैंने बताया स्मार्ट जो हमारा सेफ सिटी आ रहा है उसके साथ भी अगर इंटीग्रेट कर देंगे उसको तो काफ़ी आसानी हो जाएगी हमें उन दिनों में जब ये एक्टिविटी इकनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो उसके ऊपर मुलजमान या मुजरमान भी ज़्यादा आते हैं कि वो वहाँ पे अपने लिए भी कोई बेनिफिट निकाल लें उसके अंदर से, तो उसको भी डेफिनेटली इसको हम AI के थ्रू और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू कवर करेंगे। आखिर में सर, लोगों का पुलिस से रवैया, लोगों का पुलिस पे फुकदान, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगा, ये ब्रिज जो है इसको गैप करने के लिए पुलिस क्या कर रही है, आवाम तक आप क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा अगेन सवाल। उसमें हमारे जहन में जो पुलिस स्टेशन का एक इमेज है वो इतना अच्छा नहीं है या नहीं बनाया गया या अदरवाइज़ वो वैसे ही मतलब परफॉर्म कर रहे होंगे तभी लोगों में इसका इमेज बना है। तो उसके लिए भी अब ये इंटरनेट के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती हैं और 15 पे जब कोई कॉल जाती है तो उसको वो पुलिस स्टेशन जाने के बजाय वो 1 doorstep पे उसको वहाँ पे जी उसको रिस्पांस मिल जाता है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है कि FIR करवाना और उसके बाद की चीज़ें, तो उस पर भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है कि लोगों को घर बैठे ही मतलब FIR भी मिल जाए और अगर वो ईमेल करें तो ईमेल के थ्रू भी उनको रिस्पांस मिल जाए और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। और उसके अलावा भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया जा रहा है कि लोगों को कम से कम मतलब पुलिस स्टेशन जाना पड़े या कम से कम इंटरेक्शन हो सके। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया आमिर होल्की साहब, आप तशरीफ़ लाए और उम्मीद करते हैं कि जो इकदामात सिंध पुलिस ले रही है एट द एंड ऑफ द डे वो कराची के अवाम, सिंध के अवाम के लिए ही हैं। इसमें जितनी जिद्दत आए उतना कम है क्योंकि जिस तरह क्राइम जो है वो इवॉल्व होता जा रहा है उसको रोकने के तरीके भी उसी तरह इवॉल्व होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। तो आमिर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन एक ट्रस्ट डेफिसिट ज़रूर है लोगों में और पुलिस में, लेकिन इस तरह के इकदाम जब होंगे और जब लोग अपने सामने उन जराइम पेशा अफराद को बिहाइंड द बार्स देखेंगे तो उससे लोगों में जो है वो ट्रस्ट जो है ट्रस्ट वो डेवलप होना शुरू होगा और फिर पुलिस वाले और आवाम के दरमियान जो एक ब्रिज है, जो एक स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।